टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथ है, जिसका सीजन 2 चल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है कि साथ निभाना साथिया, जो कि पहला सीजन जिसका रीबूट वर्जन आ रहा है, पहले बात चल रही थी कि इसका प्रीक्वल आएगा, लेकिन इसका एक रीबूट वर्जन आ रहा है जिसमें आपको कुछ फ्रेश फेसेस और कुछ पुराने चेहरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें जो एक्ट्रेस हैं जिया मानिक, जिन्होंने सबसे पहले गोपी बहू का रोल प्ले किया था, और वो इस टीवी शो में जो रीबूट वर्जन है इसमें वो मेन लीड में हैं, और इसी के साथ मोहम्मद नाजिम भी हैं इसमें, और कई नए चेहरे जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो स्टार कास्ट है जो कि आपको इस टीवी शो में, यानी साथ निभाना साथिया के रीबूट वर्जन में देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो एक्टर्स हैं और किस तरह के रोल को वो प्ले कर रहे हैं, और बहुत बड़ा ट्विस्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोहम्मद नाजिम, जिन्होंने इस टीवी शो में अहम के किरदार को प्ले किया था, लेकिन इस बार वो अहम के नहीं, बल्कि उनका जो किरदार का नाम होने वाला है वो होगा सक्षम। वहीं आपको बता दें कि राशि बैन, जिस किरदार को एक्ट्रेस रुचा हसबनीस ने प्ले किया था और उनका जो रोल काफ़ी पसंद भी आया था, लेकिन इस बार रुचा नहीं बल्कि एक्ट्रेस हिमांशी रूपरेल इस रोल को प्ले करने वाली हैं, यानी वो राशि बैन का रोल प्ले करेंगी। और आपको बता दें कि इसमें जो उनका नाम होने वाला है उनका नाम आशी होगा, नॉट राशि। अब हम आपको बता दें कि जैसा कि इस टीवी शो का जो बैकग्राउंड है वो एक गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कि इसमें जो परिवार है गुजराती परिवार है, और उन्हीं की स्टोरी को, उन्हीं के घर के ड्रामास को इस टीवी शो में दिखाया जाता है। अब नरेटिव जो है वो चेंज हो चुका है और पूरा एंटायरली एक डिफरेंट थीम आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम आपको बता दें कि सोर्सेज के माने तो टीवी एक्ट्रेस ज्योति मुखर्जी, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर को रोल प्ले करने वाली है, और जो कि गोपी की जो स्टेप मदर है उसका रोल वो प्ले करेंगी। वहीं आशीष भट्ट, जो कि स्टेप फादर का रोल प्ले करने वाले हैं गोपी, यानी जिया मानिक का। वहीं आपको बता दें कि महर्षि दवे, जो कि गोपी का स्टेप ब्रदर है, उसका रोल प्ले करने वाला है। एक और नया नाम जुड़ चुका है जिसका नाम है नितिन वखारिया, जिन्होंने टीवी शो बा बहू और बेबी में एज एन एक्टर काफ़ी सालों तक काम किया है, और इस टीवी शो में वो सक्षम के फादर का रोल प्ले करने वाले हैं, और उनका भी एक सेंट्रल कैरेक्टर आपको देखने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि जो नए फ्रेश फेसेस हैं जो कि आप देख रहे हैं इस टीवी शो में, जिसमें ज्योति मुखर्जी है, जो कि इससे पहले अपने कई टीवी शोज में दिख चुकी हैं, जिसमें अग्निवायु है, प्रतिमा है, मंजिलें अपनी अपनी हैं। वहीं आपको बता दें कि आशीष भट्ट, जो कि एज एन एक्टर और उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है, और आशिकी 2, आउट ऑफ टाइम एंड कुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, इन सब फिल्म्स में या तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं या उन्होंने एज एन एक्टर काम किया है। तो आपको बता दें कि स्टार भारत पर एक नई फैमिली आ रही है, एक नए किरदार आपको देखने को मिलने वाले हैं।